नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं विक्रांत गुप्ता। 24 घंटे रह गए हैं जी, 24 घंटे बाद पता चलेगा कि नया वर्ल्ड चैंपियन कौन है। नया चैंपियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपने सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया एक जबरदस्त मुकाबले में, वहीं पर न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड को बाहर किया था। तो दो बड़ी टीमें, और मजे की बात क्या ना, ये पड़ोसी मुल्क हैं दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। और कहां पर लोग बात कर रहे थे कि इंग्लैंड आएगा, पाकिस्तान आएगा, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी कि एक बात तय है कि इस बार नया वर्ल्ड चैंपियन होगा। ना ऑस्ट्रेलिया कभी वर्ल्ड टी20 जीता है और ना ही न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड टी20 जीता है। मेरे साथ वसीम अकरम है, मेरे साथ मदन लाल जी भी हैं, लेकिन पहले देखते हैं कौन सी टीम आगे चल रही है। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के अरमान, सेमीफाइनल में विरोधी को हैरान कर देने वाले दो नाम। एक ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को दी मात, तो दूसरी टीम ने पाकिस्तान के छुड़ा दिए छक्के। रविवार को ऑस्ट्रेलिया जीते या न्यूजीलैंड, टी20 वर्ल्ड कप में नया चैंपियन मिलना तय है। न्यूजीलैंड की टीम तो पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फाइनल में हार का स्वाद चख चुकी है। जीते कोई भी, इतना तो तय है कि दुबई स्टेडियम में रोमांच की कमी नहीं होगी, क्योंकि एक्स फैक्टर से भरी दोनों टीमों में पासा पलटने वाले भरे पड़े हैं। ये दोनों टीम का टक्कर बहुत जबरदस्त होगा। मुझे फिर भी लगता है टॉस इंपॉर्टेंट है, जो टॉस जीता उसको बेहतर चांस है जीतना मैच, बट ये नहीं समझना कि टॉस जीता कि मैच। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों ने इससे पहले सिर्फ एक मुकाबला खेला था और वो भी न्यूजीलैंड के खाते में गया था। वैसे टी20 में दोनों टीमें 14 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिनमें से 9 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि डेविड वार्नर लय में आ चुके हैं। उन्होंने 6 मैचों में 236 रन बनाए हैं, तो अब मिशेल मार्श जैसे बल्लेबाज भी रन बना रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो लेग स्पिनर एडम जाम्पा की फिरकी बल्लेबाजों को बांधने का काम कर रही है, जबकि मिचेल स्टार्क की धार और रफ्तार न्यूजीलैंड की परेशानी बढ़ा सकती है। उधर न्यूजीलैंड में दबाव में निखरने की शानदार काबिलियत है। उन्होंने टीम इंडिया को हराया और स्पिन फ्रेंडली पिचों पर लगातार जीत हासिल की। कई बार लगा है कि यह टीम मैच फंसा रही है, लेकिन मुश्किल हालात से निकलकर जीतना इस टीम की खूबी रही है। इस टीम की ओपनिंग जोड़ी ने तो कमाल किया ही है, ट्रेंट बोल्ट जैसे पेसर भी कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे हैं। तो हो जाइए इस वर्ल्ड कप के सुपर हिट मुकाबले के लिए तैयार। जीतेगा कौन ये गारंटी देना तो मुश्किल है, लेकिन टी20 के रोमांच की फुल गारंटी है। आज तक ब्यूरो। वसीम भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अपनी टीम बाहर हो जाए फिर उसके बाद बाकी मैचों पर तबसरा करने की, क्योंकि हमने इंडिया में देखा ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शायद वही चीज अब पाकिस्तान में भी हो गई। बिल्कुल 100% agree with you विक्रांत, very good example। हम भी अब बेगानों की शादी में दीवाने में हो गए सारे, but I suppose it's part of the job, जैसे आप कर रहे हैं हमने भी करना है फाइनल। बट अगेन जो भी हुआ, आई सपोज बेहतर टीमें आई जो अच्छी क्रिकेट खेली, जो कंसिस्टेंट खेली, जिन्होंने अंडर प्रेशर अपने यू नो नर्व्स को होल्ड किया, वो eventually वो टीमें फाइनल में पहुंची। एंड यस, ऑस्ट्रेलिया looks really good, so is New Zealand, but आप देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जनरल रैकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेहतर है बड़े मैचों में, मेरा ख्याल है। I'm just guessing, जो मैं back of the mind, मेरे ज़हन में चीजें हैं, so it'll be interesting game, but yes, see, I have a problem, मदीप अभी बैठे हैं, प्रॉब्लम ये है कि टॉस पे आपकी 70% kind of it's kind of advantage bowling for batting second, isn't it? नहीं, वो तो है दोनों मैचों में। मदन जी देखिए, जो भी है न्यूजीलैंड वाला मैच जो था इंग्लैंड के साथ, या फिर पाकिस्तान का मैच था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब ये नहीं है कि पहले आप टॉस हार गए तो आपने बोर्ड पर तब भी रन लगाए और सामने वाली टीम ने ओस में बॉल करना था फिर भी आपने चेज किया, वो बात होती है, लेकिन ये 10-15% भी मैच अगर इधर उधर हो जाए वो बहुत बड़ी लॉटरी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए हुआ क्या है कि कल वाला मैच तो ऐसा मैच था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 90% जो
जो है पाकिस्तान जीत रहा था, पर देखिए इस क्रिकेट में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। पर एक खासियत उनकी थी, मोमेंटम जो था वो ऑस्ट्रेलिया के पास था शुरू से। उन्होंने जो है ना एवरेज जो है 8-10 ओवर में 90 ऑर्डर रन किए हुए, पता था कि उनको आखिर तक जाना है, गेम को चलाया हुआ था। पर बीच में आकर आपने देखा होगा स्टोनीज और मैथ्यूवेट थोड़े स्लो भी हुए हैं 12-13 ओवर में, क्योंकि वो समझ गए थे यहां से रन बने ना बने अगर विकेट गिर गई तो हम मैच मैच हार जाएंगे। पर उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया, उसके बाद जब प्रेशर हो दूसरी टीम पे गया पाकिस्तान पे गया, वहां कोई किसी को पता नहीं चला कि विद इन 1.5 ओवर एवरीथिंग इज फिनिश। अच्छा वसीम भाई, बड़ी मजे की बात है कि सबसे ज्यादा दुख और सबसे पहले दुख इंडिया में हमें हुआ, क्योंकि हमारी टीम तो पहले आ गई। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा और अचानक से जिस तरह वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकला। अब मेरा सवाल आपसे है कि मुझे याद है वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में बात चल रही थी यार इंडिया का मैच तो ठीक है, न्यूजीलैंड से नहीं हारना क्योंकि न्यूजीलैंड हमारे मुल्क को छोड़कर गया था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया और न्यूजीलैंड वाली वो बात आ गई, अब पाकिस्तान में जीत के लिए कौन दुआ मांग रहा है और किसके लिए मांग रहा है? देखो आई डोंट नो पाकिस्तान में किसको क्या चाहिए, मैं तो ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। आप तो मेरी बीवी ऑस्ट्रेलियन है, आप तो करेंगे बिल्कुल अगर नहीं भी किया तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कह ही सकते हैं ना कि चलो ये नहीं तो कम से कम वो ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, सो आई सपोज पाकिस्तानी, यू राइट विक्रांत, ये न्यूजीलैंड से जो उनके डिबाकल हुआ है, जो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं जस्ट वाइल बी देयर, 5 दिन रुक के और प्रैक्टिस करके उसी सिक्योरिटी में, दैट वाज जस्ट नॉट ऑन द वे इट हैपेंड। सो ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट पाकिस्तानी आई कैन स्पीक ऑन दे वुड लाइक ऑस्ट्रेलिया टू विन, बट अगेन हमारे लाइक करने से या ना लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आई सपोज जो टीम, वो हम यही कहते हैं नॉकआउट्स में, जो टीम मेंटली, दोनों को एक दूसरे की वीकनेसेस का पता है, स्ट्रेंथ का पता है, और जो मेंटली टफ होंगे, जो प्रेशर होल्ड कर सकेंगे, स्पेशली अंडर यू नो वो जो अगर कोई विकेटें गिरती हैं या पार्टनरशिप लगती है, आई थिंक इन द एंड वो टीम जीतेगी। और ये भी ना भूलें कि न्यूजीलैंड की टीम, मतलब भाई इंडिया में तो अब हम हाथ जोड़ के माजरत ही होती है हमारी, पहले हम न्यूजीलैंड को सोचते हैं अरे न्यूजीलैंड आया चले जाओ छोड़ कोई बात नहीं, अब माजरत पहले हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं भाई न्यूजीलैंड है। इस साल उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है, ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल वो खेल रहे हैं एक ही साल में, हालांकि बड़े नाम नहीं है। और इस मैच में भी देखिए कॉनवे को इंजर्ड होने के चलते क्या वो थोड़ा सा बैलेंस भी उनके हाथ से निकालता है, क्योंकि कॉनवे नहीं है जिस 11 के साथ वो खेल रहे थे, वहां पर एक बदलाव करना पड़ेगा एक बड़े मैच में। ये विक्रांत मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आई नहीं मुझे आपकी, कट गई थी, आई एम सो सॉरी गाइस, अगर रिपीट कर देगा क्वेश्चन। नहीं मैं ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड अगर कॉनवे ना हो, कॉनवे अगर इंजर्ड है जिस तरह से और उनके ना होने से, वो कितना गेम को बैलेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ करता है? बहुत करते हैं, अगर आपका मेन प्लेयर अगर नहीं है या कुछ उसको प्रॉब्लम है या इंजर है, अगर वो नहीं खेल रहा तो टीम एक साइकोलॉजिकली देखो बैक ऑफ द माइंड तो आता है, एक प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में है, जो अच्छा कर रहा है, जिसने अच्छा किया है सेमीफाइनल में, अगर वो नहीं है फॉर इंस्टेंस किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम का मेन प्लेयर, बाकी प्लेयर को बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में रहता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं रहता जो होता है पहले पूरे प्लेयर्स के साथ। और मदन जी बड़ी मजे की बात है कि हम आमतौर पर इंडिया या पाकिस्तान की हम बात करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर स्पिनर्स ने अच्छा बॉल डाला है तो शायद सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने बॉल डाला है। हाँ जाबा ने बहुत अच्छा गेंद डाला है, उन्हें टूर्नामेंट में देखे बिल्कुल जबरदस्त गेंद डाला, स्पेशली पाकिस्तान के गेंद, उसने हिट मारने नहीं दी बिल्कुल भी, वो 4 ओवर उन्होंने उनके बहुत ज्यादा क्रूशियल थे। और बाकी देखिए बाकी जो पेसर की तो पटाई हुई है, बट ये स्पिनर बीच में आके मैक्सवेल ने 6 रन दिए थे वो भी देखिए, उन्होंने ओवर निकालने थे अपने, उन्होंने ओवर निकाले उसमें 5-6 ओवर, तो इतना ही होता, इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है 2020 क्रिकेट में, अगर आगे 5-6 ओवर निकल गए तो आप फिर आगे लग जाते हैं। पर फिर फखर जमान ने आके जो लास्ट ओवर में 10-12 रन मारे हैं, उससे फिर पाकिस्तान का एकदम हौसला बढ़ा, हाँ हमने ऐसा टोटल कर लिया जहां पे हम मैच को जीत सकते हैं। पर आपको पता है ये 2020 नहीं है, वो तो ठीक है, अब जो पाकिस्तान हार गया या फिर इंग्लैंड हार गया, इन दोनों की बात हो रही थी, शायद अनबीटन टीम होने का ना फायदा भी होता है वसीम भाई, कभी नुकसान होता है, फायदा ये होता है कि आप मोमेंटम के साथ आते हैं, सामने वाली टीमें आपसे घबराती हैं।
नुकसान कभी कभी मुझे लगता है मतलब आई डोंट नो आप उसे कैसे देखते हैं, जब आप अनचेंज्ड टीम खिलाते हैं आपको कभी कभी जैसे हसन अली उस मैच में थे फॉर एग्जांपल, या इवन फखर थे, लग रहा था यार इनको कैरी कर रहे हैं, फखर ने रन बना दिए लेकिन हसन अली के लिए खराब हो गया मैच। हम बिल्कुल, बट आई सपोज अगर मैं भी होता बाबर की जगह या कोई और भी होता तो यही करता, टीम में 11 अच्छा खेल रहे हैं, चेंज करने में बिला वजह, ये वही लोकल टूर्नामेंट तो है नहीं कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लो, ये तो काइंड ऑफ टूर्नामेंट है जहां आपके पास मैचेस भी कम है, हर मैच में आपने जीतना भी है। अब देखो इंडिया अच्छा खेला दो मैच हारने के बाद, देयर वाज नो कम बैक के चांसेस नहीं है ऐसे टूर्नामेंट्स में, इस तरह के यू नो सिनेरियो में या इस तरह के जिस तरीके से इस टूर्नामेंट बनाया है आईसीसी ने, शॉर्ट एंड स्वीट सपोज इज द वर्ड, एंड यस यू गॉट टू बी वेरी वेरी आई मीन अगर हसन की जगह किसको खिलाते फिर, मोहम्मद वसीम को खिलाते, वो इस स्टेज पे आके नॉकआउट खिलाना वुड हैव बीन बिट टू मच फ्रॉम दिस यंग किड, आई वुड हैव प्लेड हसन अली, ठीक है ये द बैड टूर्नामेंट बट व्हाट कैन यू डू, इज अ क्वालिटी प्लेयर, ही विल कम बैक इंशाल्लाह। और माजी में ये भी तो है ना, एक और खिलाड़ी था जिसका बड़ा बैड टूर्नामेंट हुआ था, वो भी वर्ल्ड कप 16 में, वर्ल्ड टी20 16 में फाइनल में हुआ था, जिसका नाम था बेन स्टोक्स, जिसने 4 छक्के खाए थे ब्रैथवेट से, मतलब ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई थी 4 छक्के। आज बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने हुए हैं, तो कभी कभी वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जहां रास्ता ले जाए वहीं पर पानी निकलना शुरू हो जाता है। सीधा इस मैच में वसीम भाई, सीधा इस मैच में केन विलियमसन की कप्तानी कितना बड़ा फैक्टर इस पूरे मैच में, और मैं उनको विलियमसन वर्सेस फिंच नहीं रख रहा, मैं सिर्फ विलियमसन को रख रहा हूं, वो कप्तान जो इसी साल एक आईसीसी ट्रॉफी से पहले जीत चुका है। हाँ बिल्कुल, वो कप्तान अच्छे बड़ा काम रहता है, इवन एरन फिंच भी काम रहता है, बट ऑब्वियसली इसको कप्तानी में एक्सपीरियंस बड़ा है विलियमसन, लाइक अबाउट काम एंड वेरी कूल काइंड ऑफ पर्सन, उसके पे मुंह पे कभी प्रेशर कभी स्ट्रेस नजर नहीं आता, दैट्स ऑलवेज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड लीडर, दैट्स व्हाई इतना कंसिस्टेंट है ये विलियमसन। चलिए ठीक है वसीम भाई, कल भी आपके साथ जुड़ेंगे, मदन जी भी रहेंगे, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, फुल हाउस होगा यहां पर।